माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और इस वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। कंटिन्यूटी हमने डिस्कस किया, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे तक ले जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे आपको ये पता चलेगा कि फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डिसाइड किए। आप ये देखेंगे, ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी जो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें केवल दो क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पलर में से निकाले हैं और एक सीक्वेंस बनाया आपके लिए ताकि आप डिफरेंशिएबिलिटी को बहुत अच्छे से समझोगे। क्योंकि नंबर कम होने की वजह से, क्वेश्चंस का नंबर कम, ओनली टू क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं है कि बोर्ड में केवल ये दो क्वेश्चंस में से ही आता है। ये दो क्वेश्चंस तो उन्होंने रेयरली पूछे हैं, अदरवाइज ये जो क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस हैं दे यूज टू आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस। तो आप डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ कब, इफ राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू अ फाइनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू, फाइनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू दो चीजें हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल हो और दोनों एक फाइनाइट और फिक्स्ड वैल्यू अगर देते हों तो फिर हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल। डेरिवेबल तो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को इससे भी डिनोट करते हैं आर एफ डैश ए, क्योंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी ए पे बोल रहे हैं, और इसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ए। राइट हैंड डेरिवेटिव को आप ऐसा भी कह सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव को आप एफ डैश ए प्लस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए माइनस। तो आप देखिए कितने नोटेशन से। अब एक्चुअल में राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, वो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मैं लिखता हूं आपके लिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होती है दोस्तों, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होती है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होती है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन माइनस एच। तो ये दो थी राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या कहते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि हमें इसकी वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, एफ डैश ए की वैल्यू मिल गई, एफ डैश ए जिसे हम अभी तक साधारण समझते थे, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे देते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और पूछते थे एफ डैश पाई बाय टू क्या होगा, तो हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और फिर हम एक्स की जगह यहाँ पे पाई बाय टू रख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है कॉस पाई बाय टू विच इज़ जीरो। पर दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हम, कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और किसी ने पूछा व्हाट इज एफ डैश जीरो, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इससे एफ डैश एक्स होगा वन, और इसलिए एफ डैश जीरो क्या होगा, एफ डैश जीरो वन हो जाएगा। पर अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और आपसे यदि पूछ लिया जाए व्हाट इज एफ ऑफ एफ डैश जीरो, तब आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि तब ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी फिर पता कैसे चलेगी कि कब डिफरेंशिएबल होगा कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसी पे सारा कुछ डिस्कशन है। तो हमने उसके लिए पहला क्वेश्चन जो टारगेट किया है वो ये टारगेट किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स जैसा ये क्वेश्चन है,
मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसमें पॉइंट वन है, उसमें पॉइंट जीरो है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन को। क्वेश्चन नंबर वन आई हैव टेकन फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक है। और देखिएगा, आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, एंड वी आर नॉट गिवन द पॉइंट्स वेयर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन इज टू बी चेक्ड। कौन से पॉइंट पे चेक करना है? तो देर आर टू पॉइंट्स वेयर वी नीड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि जिस भी पॉइंट में हम चेक करेंगे उसमें लेस देन वाली कंडीशन भी होना और ग्रेटर देन भी होना। तो इसमें लेस देन भी है और इसमें ग्रेटर देन भी है। कौन सा पॉइंट है वो? माइनस टू। ऐसा ही दूसरा पॉइंट है अपने पास जीरो। तो देर आर टू पॉइंट्स, वन इज माइनस टू, अनदर इज जीरो, वेयर वी शैल चेक इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा हमारा? राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ माइनस टू होल अपॉन एच। माइनस टू प्लस एच मीन्स बिगर देन माइनस टू। तो बिगर देन माइनस टू मतलब ये वाला फंक्शन एक्स प्लस वन। तो माइनस टू प्लस एच इस एक्स की जगह आएगा, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस टू प्लस एच प्लस वन। एक्स की जगह क्या रख दिया हमने? माइनस टू प्लस एच, प्लस वन इज ऑलरेडी देयर। माइनस एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस टू, एक्स माइनस टू कहाँ पर है? एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इस केस के लिए है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ रख सकते हैं। तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस टू प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एच। अब ध्यान से देखें, ये माइनस टू प्लस वन क्या होगा? माइनस टू प्लस वन आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस वन प्लस एच माइनस वन, और ये माइनस प्लस वन, वन से वन कैंसिल, डिवाइडेड बाय एच, एच अपॉन एच कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया इसका? वन। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वन है इसका। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वन है। तो एक काम करते हैं, एक जगह पर नोट कर लेते हैं कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, सॉरी एट एक्स इक्वल टू माइनस वन बोल दिया था शायद मैंने, वो वन है। अब हम निकालते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? एफ ऑफ माइनस टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ माइनस टू अपॉन माइनस एच। माइनस टू से छोटा, माइनस टू से छोटा कौन है? तो माइनस टू से छोटा ये है केस। तो इसमें रख देंगे, क्या रख देंगे इसमें? इसमें रख देंगे टू इंटू माइनस टू माइनस एच प्लस थ्री माइनस एफ ऑफ माइनस टू। एफ ऑफ माइनस टू के लिए दोस्तों कौन सा फंक्शन? यही फिर से चूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू प्लस वन अपॉन, सॉरी माइनस टू प्लस वन एग्जैक्टली अपॉन माइनस एच। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, और इसे कैलकुलेट करें, इसे देखिए, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें आप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा आपका माइनस फोर, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, प्लस थ्री माइनस वन, माइनस वन माइनस टू एच, और ये हो गया आपका माइनस टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा प्लस वन। वन से वन कैंसिल, डिवाइडेड माइनस माइनस एच, माइनस से माइनस एच से एच कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी टू। तो राइट हैंड डेरिवेटिव वन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू है। तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ध्यान से देखें, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज वन, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज टू। देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट
डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब सेकेंड पॉइंट कौन सा है हमारे पास, x इज इक्वल टू जीरो। तो अब x इज इक्वल टू जीरो में इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे x इक्वल टू जीरो पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हेडिंग डाल देते हैं हम एट x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो जीरो प्लस एच बिगर देन जीरो इस केस में आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच प्लस टू, एच प्लस टू माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो भी उसी अकाउंट में जाएगा इक्वल टू जीरो। तो जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू डिवाइडेड बाय एच, टू टू कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आंसर इज वन। अब अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना चाहते हैं इसका, तो जीरो माइनस एच यहाँ पर रख दें एफ ऑफ जीरो। अब ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच लेस देन जीरो इस अकाउंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच प्लस वन माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो इसमें रख दें तो ये हो जाएगा जीरो प्लस टू होल अपॉन माइनस एच। अब ध्यान से देखें आप इसको क्या होने वाला है, अब माइनस एच वन माइनस टू इज माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस एच। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं सेपरेट कर देंगे, यहाँ जगह दिख नहीं रही आपने तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल वन अपॉन एच, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, ये वन आ गया। अब h की जगह ज़ीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन ज़ीरो विच इज़ इन्फिनिटी, और ये बीइंग इन्फिनिटी अब भले इसकी वैल्यू देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव की कुछ भी वैल्यू हो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ गया तो फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंडीशन इज व्हाट, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तीनों इक्वल, दोनों इक्वल हों और फाइनाइट फिक्स्ड हों, तो ये दोनों अनइक्वल हैं फर्स्ट थिंग। लेकिन किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव पहले ना निकाल के लेफ्ट हैंड निकाल लिया और लेफ्ट हैंड में उनका आंसर इन्फिनिटी आ गया, मान लीजिए आपका आंसर पहले आ जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से इन्फिनिटी, तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं रह जाती। आप ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यू कैन से दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो आपने देखा वेयर इज दिस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। जो पॉइंट्स थे तो वी हैव सीन बोथ द पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वी हैव चेक्ड इट्स डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस्ड इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एट बोथ द पॉइंट्स, माइनस टू पे भी डिस्कस किया, जीरो पे भी डिस्कस किया। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर ये बराबर आ जाता है तो आप एफ डैश जीरो की वैल्यू बता सकते हो, अगर बराबर नहीं आएगा तो ये आप एफ डैश जीरो की वैल्यू नहीं डिसाइड कर सकते। तो इसका देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो पॉइंट कौन सा है क्रिटिकल, द क्रिटिकल पॉइंट इज एट एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि मॉड्यूलस का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है दोस्तों वो उसको जीरो से इक्वेट करने पे बनता है। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक्स इज इक्वल टू वन। आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, राइट हैंड डेरिवेटिव का जो आपका फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच, इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1 होल अपॉन एच। अगर आप इसको कैलकुलेट कर देंगे
देखिए तो 1 1 कैंसिल, मॉड ऑफ एच इज एच, ये तो पार्ट 0 हो गया, फॉरगेट दिस पार्ट, ये आ गया आपका 1। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। अब हम चेक करेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब हमारे पास 1 माइनस एच 1 प्लस एच के लिए एक ही फंक्शन है, सब कुछ इसी में रखना है। तो हो जाएगा लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 उसी में रखिए अपॉन माइनस एच। 1 1 कैंसिल, मॉड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, प्लस एच, प्लस एच ये हो जाएगा 0 अपॉन माइनस एच। ये वैल्यू आ गया दोस्तों माइनस 1, ये वैल्यू माइनस 1 आ गया। आप देख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इज प्लस 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस 1 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। क्या बात समझें हम, ये समझें कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल या फिर डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको असाइन करता हूँ, ये एक आपको समझ लें आपकी होमवर्क है या असाइनमेंट, जो भी मानना चाहे मान लें कि आपको एक असाइनमेंट दे दिया है। तो आप इसको सॉल्व करें और देखें, इसमें भी राइट हैंड डेरिवेटिव आपको 1 मिलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 मिलेगा। और इसीलिए दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ डैश 0 आप नहीं निकाल सकते। पर कभी आपको ऐसा हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। राइट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसा भी लिखते हैं एफ डैश ए प्लस, लेकिन हमने 1 पे चेक की थी, तो एफ डैश 1 प्लस क्या होगा उसका, ये राइट हैंड डेरिवेटिव ए 1 होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या चीज़ है उसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम क्या लिखते हैं एफ डैश, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज ऑल्सो डिनोटेड एज दिस एफ डैश माइनस 1 1 माइनस, और इसका वैल्यू कितना है माइनस 1 है। पर ये दोनों अनइक्वल है, बिकॉज दीज टू आर अनइक्वल, इसलिए एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये इक्वल हो जाते, दोनों इक्वल हो जाते, मान लीजिए दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाती, तो फिर इसका भी वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो इन दिस वे वी कैन चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शंस। हमने इस, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जाम्पलर, एक्स इंटू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, वी आर गिवन द पॉइंट। अगर पॉइंट हमें नहीं भी दिया होता तो भी हम 0 पे ही चेक करते। क्यों 0 पे चेक करते, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों क्या है, मॉड एक्स का, मॉड एक्स को 0 के बराबर रखने से पता लगता है एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे इस वाले में देखो आप, इस वाले में मॉड ऑफ 2x माइनस 1 है, तो जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 प्लस एच, एक ही चॉइस है, 0 प्लस एच इसमें रख दें, एफ ऑफ 0 इसी में रखना है, इज इक्वल टू एच इंटू मॉड एच एच इंटू एच अपॉन एच। एच से एच कैंसिल कर देंगे, एच की जगह 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। एल एच डी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, ये फॉर्मूला है। ए की जगह हमें 0 लेना है, क्यों, क्योंकि हमको ये 0 पॉइंट दिया हुआ है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 माइनस एच मॉड ऑफ 0 माइनस एच माइनस
क्या दिया आपको, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स की जगह जीरो, माइनस एच इंटू एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, एच एच कैंसिल, एच आ गया। अब एच की जगह जीरो रखेंगे तो इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, फिक्स वैल्यू आ गई। देयरफॉर वी से एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड अगर आप ज़्यादा बताना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज एफ डैश जीरो, इस केस में एफ डैश जीरो की वैल्यू आपके पास है जीरो, एफ डैश जीरो इज जीरो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर नाउ। इस तरीके से देखें आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप एक सिंगल शॉट में नहीं देख सकते तो आप दो बार में देख लीजिए, बट देखिए जरूर। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर नाउ, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा कि कैसे फोर्थ क्वेश्चन में हम करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स दिए हैं, यू आर गिवन द पॉइंट्स एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू थ्री। तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, पहला पॉइंट है आपका एट एक्स इज इक्वल टू वन। राइट हैंड डेरिवेटिव इज व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन अपॉन एच। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वन प्लस एच की वैल्यू मालूम हो तो एच निगलिजिबल है, एच की वैल्यू है पॉइंट जीरो जीरो समझ लें आप, एच इज इक्वल टू ले लेंगे 0.001 ले लीजिए। अब वन प्लस एच, वन प्लस एच मतलब हो जाएगा 1.0001। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है इससे जस्ट छोटा या फिर बराबर इंटीजर हो तो इससे इसके बराबर, ये इंटीजर तो है नहीं तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर वन, और वन के लिए क्या हो जाएगा ये, तो वन में क्या होगा, इससे जस्ट छोटा या बराबर का इंटीजर। तो जस्ट छोटे की ज़रूरत ही नहीं, बराबर में ही इंटीजर मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। तो ये दोस्तों आगे हमारे पास वन माइनस वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच जीरो रखने से पहले ये जीरो अपॉन एच हो गया और जीरो अपॉन एच इज ज़ीरो, जीरो अपॉन एच इज ज़ीरो। वाई, बिकॉज एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स जीरो डिवाइडेड बाय अ नंबर 0.00001 बहुत छोटा नंबर है, पर अभी वो जीरो नहीं है, अभी वो जीरो नहीं है, लेकिन जीरो नहीं होने से पहले ही कैलकुलेट हो गया वो और उसका आंसर आ गया जीरो। तो आपको एच की रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसका आंसर जीरो हो गया। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच। वन माइनस एच इसी अकाउंट में जाएगा, वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन ओल अपॉन माइनस एच। वन माइनस एच क्या होगा, तो फिर से आप देखिए वन एच मैंने कहा था आपको, आप अज्यूम कर लें 0.001, तो 1 माइनस एच हो जाएगा आपका लगभग 0.999, इस तरह का कुछ हो जाएगा। अब अगर ये हो गया है तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटीजर तो है नहीं तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, जीरो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो माइनस, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी डिवाइडेड बाय माइनस एच है जीरो अपॉन, तो माइनस से माइनस बाद में कैंसिल होगा, वन अपॉन एच, और वन अपॉन जीरो इज़ व्हाट, इन्फिनिटी। और मैंने एक पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें लिमिट इन्फिनिटी और उसकी अगर वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, अगर वैल्यू इन्फिनिटी है तो फिर आगे डिस्कशन होगा ही नहीं, तो फिर क्या कह देंगे, डायरेक्टली वी कैन से दैट द फंक्शन इज़
not differentiable. F of x is not, therefore f of x, this infinity does not exist. Therefore f of x is not differentiable at x is equal to 1. Similarly, you can try at x equal to 2. At x is equal to 2. X is equal to 2 में यहाँ क्या रख देंगे आप? यहाँ 2 plus h रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे. इसका वैल्यू 2 plus h का वैल्यू 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ओ सॉरी, h अपॉन h है, h अपॉन h का वैल्यू 1 होगा. मैंने शायद उसमें उस वाले केस में शायद से 0 लिख दिया हो तो मैं गड़बड़ हो गई होगी. 2 प्लस ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, h अपॉन h 1 हो गया. अब सॉरी एग्जैक्टली एक्सट्रीमली सॉरी दैट वाज ट्रू. 2 प्लस h इज 2, 2 प्लस h इज 2, 2 माइनस 2 अपॉन h, ये पहले कैलकुलेट होके 0 हो गया जैसा पिछली बार बताया था. क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 प्लस h का यानी 2 प्लस 0.001 का क्या आएगा? 2 आएगा. तो इसका वैल्यू 2 आएगा. तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. तो 0 आएगा, पिछला वाला भी 0 ही था. अब आप इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर एट x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और 2 माइनस h, तो 2 में से कुछ माइनस कर देंगे हम, 0.00001, तो ये हो जाएगा 1.999. और उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा? वो 1 हो जाएगा. तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2. 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, माइनस 1 अपॉन माइनस h, 1 अपॉन h. और ये भी उसी तरीके से हो गया दोस्तों, इन्फिनिटी. ये वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, विच डज नॉट एग्जिस्ट. Therefore, this function is not differentiable at x is equal to 2 and 1. 1 or 2, दोनों points पे it is not differentiable, greatest integer. और आपको मालूम है कि greatest integer function continuous ही नहीं होता है integers पे, तो वो differentiable कैसे होगा? तो continuity is like class 10. Continuity को आप ये मान लें कि class 10 है, और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? क्लास 10 पासिंग. और डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज़ है? क्लास 12 पासिंग. तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली दैट विल बी कंटिन्यूस. क्यों? ऐसे समझे, कोई 12वीं पास है, 12th पास है, तो नेचुरली ही विल बी 10th पास या शी विल बी 10th पास. लेकिन अगर कोई कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो. तो ये पर हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ये डिसकंटिन्यूस है, कोई अगर 10th ही फेल है, तो हाउ शी और ही विल बी 12th पास. तो अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो वो फिर क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. फिर से आप समझ ले, अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस होगा. कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो. पर हाँ, अगर डिसकंटिन्यूस है, कि अगर 10th फेल है, तो 12th पास कैसे होगा? इम्पॉसिबल है. तो डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा. डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, पर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल बता नहीं सकते होगा कि नहीं होगा. अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 में हैं. क्वेश्चन नंबर 5, अभी 30 मिनट से कम हुए हैं और काफ़ी कुछ हमने समझ लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 5 में हमको पॉइंट दिया हुआ है 1/2. तो ये एक बहुत अच्छा शानदार सवाल है. क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1 साइन एक्स, और हमें पॉइंट कौन सा दिया है? 1/2. तो 1/2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1/2 प्लस h माइनस एफ ऑफ
वन बाय टू होल अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन बाय टू प्लस एच, इसमें वन बाय टू प्लस एच रख दें, टू इंटू वन बाय टू प्लस एच माइनस वन साइन वन बाय टू प्लस एच माइनस वन बाय टू सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा टू इंटू वन बाय टू माइनस वन होल अपॉन एच, टू टू कैंसिल, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू साइन वन बाय टू जीरो। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस पार्ट को, तो मैं टू मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा वन प्लस टू एच माइनस वन, वन वन कैंसिल, साइन वन बाय टू प्लस एच, ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास टू एच साइन वन बाय टू प्लस एच अपॉन एच, एच एच कैंसिल, एच की जगह जीरो रख दें तो ये जाएगा टू इंटू साइन वन बाय टू, ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है। अब अगर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पर वन बाय टू माइनस एच, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब टू उसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वन माइनस टू एच और माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा आपका वन बाय टू माइनस एच, ये ज़ीरो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस टू एच हो जाएगा आपका, नीचे माइनस एच है तो ये माइनस टू एच का मॉड हो जाएगा टू एच साइन वन बाय टू माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे एच की जगह ज़ीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस अपॉन माइनस, माइनस टू एच की जगह ज़ीरो साइन वन बाय टू। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव आपका था टू साइन वन बाय टू, लेफ्ट हैंड है माइनस टू साइन वन बाय टू, तो इसलिए ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपकी बुक का एग्जाम्पलर का जो मैंने लिया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। अब दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे सिक्स, और आपको डिस्कशन करना है उसका मॉड ऑफ एक्स पे, सॉरी ई टू द पावर मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स की जगह में ये रख जीरो प्लस एच रख देंगे माइनस ई टू द पावर जीरो अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच। ये वैल्यू लिमिट की होती है वन, ये लिमिट आप ध्यान रखना पड़ेगी आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज वन, स्टैंडर्ड लिमिट है, क्लास इलेवेंथ में आपने पढ़ी होगी, और नहीं तो आप याद रखना पड़ेगी। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर, यहाँ पे देखें आप ई टू द पावर मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस ई टू द पावर मॉड ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, ये आ गया आपके पास। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एच माइनस वन अपॉन माइनस एच,
माइनस इधर निकाल दे थोड़ा सा बाहर, ये वैल्यू वन हो जाएगी, और बीइंग दिस माइनस ये माइनस वन हो जाएगा। तो इस केस में भी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। मॉड में यही परेशानी है कि मॉड में, मॉड वाला फंक्शन जो एक खास बात है, आप उसको नोट कर सकते हैं। मॉड का फंक्शन इस तरह का, ध्यान से देखें, मॉड x x इज इक्वल टू जीरो पे, मॉड x माइनस वन x इज इक्वल टू वन पे, मॉड ऑफ 2x माइनस वन x इज इक्वल टू वन बाई टू पे, ये दीज आर नॉट डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल है ये अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्यों ऐसा होता है? तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, इन सब के ग्राफ बनाएंगे आप, तो क्या करेंगे, जैसे मॉड x का मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। मॉड x का ग्राफ बनाते हैं तो आप x की वैल्यूज़ लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग y की निकालते हैं, तो x की जगह 0 रखेंगे ये 0 आएगा, 1 रखेंगे 1 आएगा, माइनस 1 रखेंगे x की जगह तो प्लस 1 आएगा। अब देखिए ये पॉइंट हो गया आपका 0 0, ये 0 0 हो गया, 1 1 कहाँ होगा आपका, ये x1 ये y1 ये 1 1, माइनस 1 1 कहाँ होगा, तो x माइनस 1 y1 यहाँ होगा। अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो वी विल फाइंड अ शार्प पॉइंट। कैसा पॉइंट मिलेगा आपको, शार्प, जो शार्प पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट शार्प पॉइंट। वैसे इनमें भी शार्प पॉइंट मिलेगा, इस पे कहाँ पे मिलेगा आपको, 1 पे मिलेगा, इस तरीके का इसका ग्राफ होगा। इस पे आपको शार्प पॉइंट, जब आप पॉइंट्स लेंगे ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो जहाँ जहाँ भी शार्प पॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और वो शार्प पॉइंट ही उनके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। जैसे इसका शार्प पॉइंट कौन सा है, 1, तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 1 बाय 2, इस तरह से। तो अगर इसको देखेंगे, उसी से कनेक्टेड ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने सारी बहुत सारी बातें कर ली। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स है, दो तरह की बात होती है। अगर ये साइन मॉड एक्स होता तब क्या करते, तब हम कौन से पॉइंट पे चेक करते, तब हम जीरो पे चेक करते, क्योंकि मॉड एक्स क्या होता, मॉड एक्स इसमें इसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू जीरो है। इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर देखने की कोई कोशिश करेगा तो साइन एक्स बराबर जीरो होगा, तो साइन एक्स बराबर जीरो कब होगा, तो साइन जीरो तो बहुत बार होता है, कहाँ कहाँ जीरो होता है तो आपने पढ़ा होगा, साइन जीरो कहाँ कहाँ होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन पाई होती है, इन सारे पॉइंट्स पे क्या होता है, साइन जीरो होता है। अब इस ग्राफ का फ़ायदा भी है, क्या फ़ायदा है, हमें साइन एक्स का ग्राफ नहीं बनाना, हमें किसका बनाना है ग्राफ, मॉड ऑफ साइन एक्स का। तो मॉड ऑफ साइन एक्स कौन है, एफ एक्स है, एफ एक्स को हम बोलते हैं वाई। अगर वाई मॉड ऑफ साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, और वाई मॉड है, तो ये नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा तो ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा ग्राफ, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, नीचे वाला भाग हट जाएगा ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे का हट जाएगा ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे का हट जाएगा ऊपर हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जाने की जगह किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि इस पर मॉड लगाए। अब अगर आप शार्प पॉइंट देखने चाहोगे तो वो शार्प पॉइंट वही पॉइंट से जहाँ पर ये क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, शार्प पॉइंट वहीं वहीं मिले हैं जहाँ पर ये फंक्शन क्या हो रहा था, जीरो। तो ये जहाँ जहाँ शार्प पॉइंट है वहाँ वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पाए पे नहीं है, माइनस पाए पे नहीं है, टू पाए पे नहीं है, माइनस टू पाए पे नहीं है। तो इन जनरल आई कैन से इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, दिस एफ ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू एन पाई, वेयर n इज वॉट, n इज एन इंटीजर, नेचुरल नंबर नहीं, n की वैल्यू 0 प्लस 1, n की वैल्यू देख लो आप क्या हो रही है, यहाँ पे 1 हो रही है, यहाँ 2 हो रही है, 0 है, माइनस 1 माइनस 2, तो n क्या चीज़ है, n बिलोंग्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अगर मॉड ऑफ cos x का अगर आप देखना चाहते हो इन दैट कनेक्शन,
तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का ऐसा ग्राफ बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। और हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, ध्यान से देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ऐसा होता है, कॉस एक्स यहाँ से चलता है फिर नीचे जाता है, लेकिन वो मॉड है तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। ये क्या होता है, पाई बाय टू होता है। ये कौन सा होता है, पाई बाय टू में पाई जोड़ेंगे तो थ्री पाई बाय टू होता है, फिर पाई जोड़ेंगे तो फाइव पाई बाय टू होता है। इसी तरीके से इधर भी होता है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका माइनस पाई बाय टू, ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री पाई बाय टू। तो ध्यान से देखो, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। कब नॉन डिफरेंशिएबल है, एट एक्स इज इक्वल टू ऑड पाई बाय टू, ऑड पाई बाय टू, जब जब ऑड मल्टीपल है पाई बाय टू का। पर ऐसा लिखना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ऐसा लिखिए एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस माइनस वन पाई बाय टू, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। ये क्वेश्चन नहीं था आपकी एक बुक में, लेकिन फिर भी मैंने इसके कनेक्शन में इसको डिस्कस किया। और साइन ऑफ मॉड एक्स की जहाँ तक बात है, साइन ऑफ मॉड एक्स अगर आपको डिस्कस करना है, तो साइन ऑफ मॉड एक्स के लिए आपको एक ही पॉइंट पे डिस्कस करिए। कौन से पॉइंट पे डिस्कस करेंगे आप, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे आप डिस्कस करिए। डिस्कस करेंगे तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा आपका वन, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा माइनस वन। आप निकालिए, लिखिए और बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स और टीचिंग फील्ड में 1999 से, व्हेन आई डिड माय एमएससी एंड लेटर ऑन इन 2009 आई स्टार्टेड, इन 2013 आई एम अवार्डेड पीएचडी एंड अवार्डेड बाय मेनी एजेंसीज, इवन आई एम अवार्डेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो माय बेस्ट विशेस विद यू, डू द बेस्ट, डू फॉर योर सेल्फ, डू फॉर योर कंट्री, एंड प्लीज डू लाइक my channel, subscribe it and share with your friends, press the bell icon. Wish you all the best.